सैम जल्दी आ, गोटी तू भी आ, जल्दी आओ, वो देख। So welcome to our subscriber to your boy Zaid Rashid this channel. So guys, जो PM है हमारे और इटली की जो PM है उनके लव रिएक्शंस जो ट्रोल वीडियोस चल रही है तो उस पर एक वीडियो लाया हूँ। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो, बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लोगों को बताओ फ्री प्रमोशंस के बारे में। अगर आपका यूट्यूब चैनल कोई भी गलत चीज़ को प्रमोट नहीं किया है तो मैं आपको फ्री में प्रमोट कर दूंगा। सेकेंड थिंग, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग मुझे वहाँ जाके फॉलो कर लेना। प्रमोट कराना है तो DM कर सकते हैं। देखो गाइस बहुत इजी है, बट आपका कोई भी यूट्यूब चैनल गलत चीज को प्रमोट नहीं करेगा तो मैं आपको जरूर प्रमोट कर दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सैम जल्दी आ, गोटी तू भी आ, जल्दी आओ, वो देख। ये क्या है? तो भाई ऐसा है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP28 के समिट में शामिल होने के लिए दुबई गए हुए थे और उसी समिट में शामिल होने के लिए इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी भी पहुंची हुई थी। इसके बाद तो लोग तरह तरह के मीम बनाकर मौज काटने लगे। अच्छा ये सब चीजें तो अभी तक सिर्फ लोगों तक सीमित थी कि लोग सिर्फ मजाक के अंदाज में मोदी जी और मेलोनी जी के बीच के मजाक के रिश्ते को लेकर मीम बना रहे थे, समझ गया। लेकिन लोग तब शॉक्ड हो गए ना जब इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी अपने ट्विटर अकाउंट में मोदी जी के संग एक मुस्कुराते हुए फोटो को शेयर की और लिखते हैं गुड फ्रेंडशिप एट COP28 #मेलोडी। ऐसी बातों से आप परेशान मत होना। लोग तो बहुत परेशान है, अब तो ये भी कह रहे हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि जॉर्जिया मेलोनी जी अपना नाम मेलोनी लिखने की जगह में मेलोडी कैसे लिख सकती है? ये कोई इत्तफाक या फिर जानबूझ के लिखा गया है? यही तो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा अच्छा कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि अगर जॉर्जिया मेलोनी जी मेलोनी की जगह में मेलोडी लिख दी तो इसमें क्या दिक्कत है? तो भाई साहब ऐसा है ना, सोशल मीडिया के धुरंधरों के हिसाब से मेलोनी प्लस मोदी इज इक्वल टू मेलोडी होता है। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि इंस्टाग्राम में इस चीज पर कितने सारे मीम और रील्स काफी लंबे समय से बनते आ रहे हैं, जिस वजह से लोग ये भी करने लगे थे कि यार ये लोग पक्का इंस्टाग्राम को बंद करवा के मानेंगे। वो देखो वो देखो। तू समझा? हाँ रुस्तम, कम कम। यस सर। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। देखिए भाई हंसी मजाक अपनी जगह है, लेकिन हमें अपने प्राइम मिनिस्टर को लेकर इस तरीके से भद्दा मजाक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस पद की एक गरिमा होती है और लोगों को भी उस पद की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। वैसे आप इन सब चीजों को लेकर क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, सबसे पहले तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ऐसी ही अपडेट चीजें ऐसे हंसने चाहते हो या फनी वीडियो देखना चाहते हो तो आप लोग इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक एक चीज जाके देखना भाई, बहुत फनी वीडियो लाता है और दिन भर में 1-2 वीडियो तो कंपलसरी इसके चैनल पे रहती है। तो गाइस सेकंड थिंग, ओपिनियन तो कुछ भी नहीं है, फनी वीडियो है, फनी की तरह लेंगे, ठीक है, सबकी एक पर्सनल लाइफ होती है। तो ट्रोलर लोग ट्रोल कर रहे हैं, हम अपनी वीडियो बना रहे हैं, लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।